محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, किब्रियाई की बातें, इज़्ज़त की, जलाल की, पकीज़गी की और ख़ूबसूरती की तमाम बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। वही हकीकी बादशाह है, शहनशाह है, हर किस्म के ऐब से मुबर्रा और पाक है, किसी की उसको मजबूरी नहीं है। वो चाहे जहन्नम में गिरने वाले को एक बालिश्त कहते हैं जिसे हम अपनी ज़ुबान में एक गेठ कहते हैं, वो चाहे तो एक बालिश्त के फासले पर जो रह गया है जहन्नम में गिरने वाला, उसे वहाँ से बचाकर जन्नतुल फिरदौस का हकदार बहना दे, ये सिर्फ उसी की शान है। ऐसी शान का मालिक है और किसी को जवाब दे नहीं है। ऐसा शहनशाह है, ऐसा बेनियाज है कि वो एक बालिश्त कामयाबी हासिल करने वाले, जन्नत के मेहमान बनने वाले, जन्नती के उस एक बालिश्त के फासले पर पहुंचने वाले को उठाकर मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा शहनशाह वाहिदुल कहार हमारा रब है, उसकी ये शान है। और दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरवरे कुनैन, सैयदुल मुरसलीन वल आखरीन, खातमुन नबीयीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इंसानों की रुश्द व हदायत के लिए मबूस फरमाया है। यकीनन वो शख्स बड़ा ही खुश नसीब है, उसके नसीब के क्या कहने, जिसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपना लिया, अपने दुख दर्द खुशी में, अपने गम में, अपने कारोबार में, अपने घर के मामलात में उसने जनाब आका अलैहिस्सलाम को अपने लिए नमूना बनाया। मेरा रब ऐसे बंदे को इस दुनिया में भी खुशहाल और कामयाबियाँ अता फरमाता है और यकीनन आखरत में भी उसी की कामयाबी होगी। सामिर मोहतरम, खुतबा मसरूना में मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, जिसमें रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि मा आताकुम अर्रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु। लोगों, तुम्हें जो तुम्हारा रसूल, मेरा पैगंबर, मेरा नबी, तुम्हारे लिए जो रहबर और रहनुमा बन कर आया है, तमाम अम्बिया का सरदार और इमाम बना है, जिसकी ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला एक एक कलमा तुम्हारे लिए दीन और शरीयत की हसीयत रखता है, जिसकी एक एक अदा तुम्हारे लिए सुन्नत रसूल कहलाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उसके दिए हुए दीन को, उसकी दी हुई शरीयत को मान लेगा, जो उसने दिया उसको कबूल करेगा, और जिसने उसके मना किए हुए रास्तों से, आमाल से रुक कर, वहाँ से मना होकर खुद को बचा लिया, यकीनन ये शख्स बहुत बड़ी कामयाबी का, कामरानी का मुस्तहिक है। ये ऐसे रास्ते पर चला हुआ है जो अल्लाह ने कहा है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहू, जो तुम्हें तुम्हारा रसूल और नबी देता है उसे हासिल कर लो।
और ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी इंसान को नहीं अता किया। अल्लाहु अकबर। हर नबी, हर रसूल अपनी कौम और उम्मत के लिए रहनुमा होता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ात बख्शे हैं, और आपकी उम्मत का दुरानिया क़यामत की दीवारों तक है। अल्लाहु अकबर। वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू, जिससे तुम्हें तुम्हारे रसूल ने मना कर दिया है उससे तुम रुक जाओ, ये अल्लाह का हुक्म है, और जो अल्लाह के हुक्म को मानता है मेरा रब उसे इज्जतों से बख्शता है। जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को मान लेता है, वो मर्द है, वो ख्वातीन हैं, वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इस जिंदगी में भी खुशहाल बना देता है और आखिरत की जिंदगी भी उसी की कामयाब होती है। हमने अपनी जिंदगी में ये तजुर्बात किए हैं, हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए। हमारे तजर्बों की क्या बात है, अल्लाह की बात सच्ची है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बरहक है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिर भी आप आदमी अपनी जिंदगी में कुछ सीखता है। मैंने अपनी जिंदगी में यह सीखा है, तुम्हारे पास दुनिया की तमाम सहूलतें हैं, तमाम आसाइशें हैं, तमाम नेमते हैं, अगर तुम्हारे पास अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने का और उस पर अमल करने का तुम्हारा दिल और दिमाग इस बात को तस्लीम नहीं ना करता, तो ये सब कुछ होने के बावजूद ना तुम तकलीफ़ों से बचोगे, खुशहाली के बावजूद तुम्हारे अंदर फ़कीरी और बखीली रज रज के बसी हुई होगी, तुम किसी हाल में भी अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बन सकते। शुक्रगुजारी का जो रास्ता है वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अल्लाह ने रखा है। आज के इस मुख्तसर वक्त में हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जिससे हम अपने ईमान को ताजा करेंगे, जिससे हमारे ईमान को जला मिलेगी, जिससे हमारे दिल सुकून में आएंगे, जिससे हमें अमल करने की और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशी भी देंगे और तौफीक भी अता करेंगे, और हमारे दिलों में ये लालच और ये तमा, ये ख्वाहिश पैदा होगी कि अल्लाह तू हमें भी इन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। आज इसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हम समाअत फरमाएं, और फिर इस फरमान को समाअत फरमाने के बाद जो बकिया चंद दिन हैं रमज़ान मुबारक के आने के, इसमें हम ये मनसूबा बंदी करेंगे, इसमें ये हम कोशिश करेंगे, इसमें हम तरतीब देंगे कि ये रमज़ान जो आ रहा है ये हमने मिसाली अपनी ज़िंदगी का ऐसा रमज़ान गुजारना है गोया कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। ये बात बसाओ का आदमी को तकलीफ देती है, भाई ऐसी हूँ नहीं मर जाना है, हूँ केड़ी साड़ी उम्र है मरण। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ने ये उम्रें किसी को नहीं बताई मगर एक मोमन की ये ख्वाहिश होती है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की वजह से, दीन और इस्लाम से मोहब्बत की वजह से उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा ये आमाल जो है, मेरे ये अमाल और ये जो मैं अमल कर रहा हूं ये इतना अच्छा अमल है मेरी जिंदगी का आखिरी अमल बन जाए, मेरा खात्मा बिल ईमान हो, इसे अच्छे अमल पर मेरा खात्मा हो। इसलिए मोमन की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तू मुझे मौत दे तो ऐसी मौत देना कि मैं ईमान और इस्लाम की हालत में तेरे पास आ जाऊं। और हमने अपनी जिंदगियों में यह देखा है, अगर हमें पता चले कि कोई शख्स कुरान पढ़ते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया है, उसकी रूह निकल गई है, तो हम क्या कहते हैं, बड़ी खुशनसीबी थी, अल्लाह इस तरह की मौत हमें भी दे, इस तरह की मौत अल्लाह सबको दे। और अगर हमें पता चले कोई अजान देते हुए अल्लाह को प्यारा हुआ है,
तो हमारे दिल से यह बात निकलती है, क्या शान वाली मौत है, ऐसी मौत तो हमें भी मिलनी चाहिए। और अगर किसी को नमाज पढ़ते हुए कयाम की हालत में, रकू की हालत में, सजदे की हालत में मौत आ जाती है, फिर भी उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती है, काश ये सआदत मुझे मिल जाती। अल्लाह, और ये जो इस तरह की ख्वाहिशात हैं, इस्लाम ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई, खुदकशी से मना किया है, हराम मौत की मरने से और उसकी ख्वाहिश करने से मना किया है। सैयदना हजरत उबई बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, साहबी रसूल का नाम क्या है, उबई बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज जनाजा में खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा में तीसरी तकबीर के बाद जो दुआएं मांगी मैयत के लिए, जो हम नमाज जनाजा में मांगते हैं बुलंद आवाज में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में उन दुआओं को पढ़ा, तो सैयदना इब्ने औफ, मालिक बिन औफ, सैयदना इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जनाजे के बाद वो हदीस बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मैयत पर दुआएं पढ़ी हैं, मेरे दिल में शदीद ये ख्वाहिश पैदा हुई, काश ये मैयत इब्ने औफ की होती और ये दुआएं रसूलुल्लाह सल्लम मुझ पर पढ़ देते। क्या वो खुदकशी का कह रहे थे? नहीं, वो एक अच्छी दुआओं की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के लिए मांगी, वो दुआएं सुनकर उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, काश ये इतनी कमाल की और शानदार दुआएं, काश ये मैयत मेरी ही होती। जिस तरह हमारे दिलों में ये बात आती है कि जो बंदा सजदे की हालत में अपने रब को प्यारा हो जाता है, हम कहते हैं काश इस तरह की मौत मुझे भी आ जाती, तो पता चला ऐसी ख्वाहिश करना ये दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं है। जिस तरह कोई मर्द मुजाहद मैदान में निकलता है और वो अल्लाह के दीन के दुश्मनों का मुकाबला करता है दलेरी से, अल्लाह के दीन के दुश्मनों को परखने उड़ाते हुए वो अपनी कुर्बानी दे देता है ना, तो हमें खबर मिलती है कि फुला मंदा था, उसने अल्लाह की रिजा के लिए मैदान में निकला और डट कर खड़ा रहा और दुश्मन को, अल्लाह के दीन के दुश्मन को इस तरह उसने बुछाड़ दिया, उनके बखेर दिए, उनको बहुत ज्यादा जहन्नम रसीद किया, तो फिर उसने अपनी जान जाने आफरीन के नाम कर दी, शहादत से वो बहरावर हुआ, जामे शहादत नोश कर लिया। हमारे दिल में भी ये ख्वाहिश होती, काश इस तरह की अजीम मौत अल्लाह हमें भी अता फरमाए। तो ये कुरान और हदीस को सुनकर इस तरह की बातों का इजहार करना ये खिलाफ शरीयत नहीं है, बल्कि ऐन एक मोमन जो अपने रब की तरफ रजू करने वाला है उसकी ये कैफियत होती है कि अच्छे अमल में मुझे अल्लाह अपने पास बुला ले। अल्लाह अकबर। सैयदना हजरत अबू उमामा बाहली रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान फरमाते हैं, और यह हदीस सुनन अबी दाऊद की है, 2494 नंबर पर, 2494 नंबर पर। इस हदीस में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों का तज़किरा किया है और इतनी शानदार है कि ये तीन बातें सुनकर हर मोमन के दिल में, हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, काश ये अच्छे आमाल अल्लाह मुझे अता फरमा दे। उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, काश ये आमाल की खूबसूरतियां अल्लाह मुझे अपनी रिजा के लिए अता फरमा दे। और ये आमाल कैसे हैं? ये आमाल ऐसे हैं कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इन तीन किस्म के आमाल को शुरू करता है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, मेरा रब उसकी जिंदगी की जमानत देता है। जो रब्बुल आलमीन की जमानत में आ जाए,
बतलाओ मेरे रब से बढ़कर दुनिया में हिफाजत करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। मेरे रब से बढ़कर किसकी जमानत है? इसी की नहीं है। उससे बढ़कर अपने बंदों से ना तो कोई मोहब्बत कर सकता है ना कोई प्यार कर सकता है। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू उमामा बाहरी रजी अल्लाह तआला ने बयान फरमाते हैं, कहा तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद जामिन बनता है, खुद जामिन बन जाता है। और वो अमाल भी कोई ऐसे नहीं है कि उनमें बड़ी दिक्कत है, बड़ी मुशक्कत है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी आजमाइश है। मामूली से अमाल हैं लेकिन अजर मेरे रब ने इन मामूली अमाल का बहुत बड़ा रखा है। अजर इसलिए बड़ा रखा है कि इन मामूली अमाल को सिर्फ वही करते हैं जिनको मेरा रब पसंद करता है। जिनको मेरा रब पसंद करता है ना, इन मामूली अमाल की तौफीक उन्हें अता फरमा देता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन तीन में से सबसे पहला वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जिहाद की खातर निकलता है, मुजाहिद बनता है और अल्लाह ताला की सुपुर्द अपनी जान को, अपनी माल को अल्लाह की सुपुर्द कर देता है, तो मेरा रब उसकी जिंदगी का जामिन बन जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह उसकी जमानत इस अंदाज से लेते हैं कि अगर अल्लाह उसे फौत करे, शहादत की मौत दे या उसके बिस्तर पर उसे फौत करे, तो अल्लाह जमानत देते हैं कि अल्लाह इसे जरूर जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। और अगर अल्लाह उसे जिंदा वापस जिहाद से लुटाते हैं, गाजी बनकर आता है, तो मेरा रब उसे बेशुमार अजर भी अता फरमाता है और माले गनीमत भी देकर वापस लुटाता है। ये अल्लाह की जमानत है और इस बात में अल्लाह से बढ़कर, अल्लाह की किसी बात में भी अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा नहीं है। दूसरा शख्स वो है, अल्लाह अकबर, फरमाया जो मस्जिद की तरफ जाने वाला है वो अल्लाह की जमानत में है। क्या मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम जो मस्जिद की तरफ जाने वाला है, अजान होती है मस्जिद में आ जाता है, कोई आए ना आए वो अकेला ही आ जाता है। अल्लाह, मुशक्कत भी होती है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, धुंध भी होती है, बारिश का मौसम भी होता है, वो अल्लाह की तरफ मस्जिद में आता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, तमाम मसाजिद अल्लाह के घर हैं, वो अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे बंदे की अल्लाह जमानत लेते हैं कि अल्लाह उसे जरूर जन्नत में दाखिल अता फरमाएगा, वो बंदा अल्लाह की सुपुर्दारी में आ जाता है। और तीसरा शख्स वो है जो शख्स अपने ही घर में दाखिल होता है मगर अपने घर वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है, सलामती के साथ अपने घर में दाखिल होता है, किसी के घर में भी जाता है तो सलाम कह के दाखिल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बंदा सलामती के साथ दाखिल हो रहा है और अल्लाह इसकी सुपुर्दारी ले रहे हैं, इससे बढ़कर सुपुर्दारी किसी की नहीं। अल्लाह उस घर में उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आइए अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतन समात फरमाते हैं। अबू उमामा बाहरी रजी अल्लाह तआला कहते हैं, सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, रजुलुन खरजा ग़ाज़ियन फी सबीलिल्लाह फहुवा ज़ामिनुन अला अल्लाह हत्ता यतवफ्फाहु फयदख़िलुहुल जन्ना औ यरुद्दुहु बिमा नालिन मिन अज्रिन औ ग़नीमतिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, तीन किस्म के ऐसे अफराद हैं, अगर वो जिंदा भी रहे और वो फौत भी हो जाएं, मेरा रब उनकी जमानत लेता है कि उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उनमें एक मुजाहिद है,
जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है शहादत की मौत ले, तब ही मेरा रब उसे जमानत देता है कि उसे जन्नत में दाखिल करेगा। गाजी बनकर वापस आता है तो मेरा रब उसको जमानत देता है कि उसे माल गनीमत से भी लुटाएगा और कल क़यामत के दिन जन्नत की कामयाबी भी अता फरमाएगा। एक आदमी, दूसरा फरमाया वराजुल राहा इलल मस्जिद, दूसरा शख्स वो है जो मस्जिद की तरफ चल कर जाता है। फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाही, अल्लाह पर जो उसकी जमानत है, अल्लाह उसकी सपुर्दारी लेते हैं। यतवफ्फाहु फयुदखिलहुल जन्ना, अल्लाह उसे फौत करेंगे जो अल्लाह के घर में मस्जिदों में चल कर आता है, सवारी पे आ जाए, पैदल चल कर आ जाए, मस्जिद में आए। अल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लम फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सुपुरदारी लेते हैं कि अल्लाह उसे फौत करेगा तो जरूर जन्नत का दाखला अता फरमाएगा। अल्लाह को बज़ाहिर ये अमल नहीं है, छोटा सा अमल है, लेकिन अल्लाह की जमानत है इस अमल पर कि अल्लाह ऐसे बंदे को जरूर जन्नत में दाखिल करेगा जो अल्लाह के घरों को आबाद करने के लिए मस्जिद पर आते। अल्लाह अकबर। फयुदखिलहुल जन्ना अव यरुद्दु बिमालिन मिन अजरिन अव गनीमतिन, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसे जन्नत का दाखला भी अता फरमाएंगे और अल्लाह उसे ऐसे अजर से लुटाएंगे जो किसी के लिखने में और बस में नहीं आता है। दो आदमी, तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वराजुलुन दाखला बैतहु बिसलामिन फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह अज़्ज़ा वजल, तीसरा वो शख्स है उसकी अल्लाह जमानत लेते हैं जो अपने ही घर में या किसी और के घर में दाखिल होता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु कहता है, अल्लाह उसकी जमानत लेते हैं, अल्लाह उसको किसी नुकसान के और किसी जालिम और दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे, मेरा रब उसकी सलामती की हिफाजत का और सुपुरदारी की ऐलान और जमानत देता है। कोई बड़ा काम है, हम बीसियों दफ़ा अपने ही घर में दाखिल होते हैं और अगर हम कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, घर वालों को मेरा रब हमसे सलामती देगा और अपनी जनाब से अल्लाह मुझे सलाम कहने वाले की जमानत ले रहा है, उसे अल्लाह सलामती से नवाजेगी। छोटे से अमाल हैं, तीन अमाल हैं जिनकी जमानत मेरा रब लेता है और देता है। आइए इन छोटे छोटे अमाल को अपनाकर बहुत बड़ी अल्लाह की जमानत को हासिल कर सके। मुजाहिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले और अपने घर में सलाम कहकर दाखिल होने वाले। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह हमें और हमारी औलादों को इस हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा और ऐ अल्लाह जिन जिन की तू जमानत लेता है, जिन जिन की तू सुपुर्दारी लेता है, हमें और हमारी औलादों में उस सुपुर्दारी में शामिल फरमा दे। वमा अलैया इल्ला बलाग।